ब्रिक व्हीकल्स। एक गांव में दीपू नाम का एक बच्चा हुआ करता था। दीपू के पिता वेंकट मिस्त्री के तौर पे काम करते थे। दीपू शादी होने के कई सालों बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसकी माँ दिव्या और पिता वेंकट दीपू को बहुत लाड़ प्यार से देखते थे। इस वजह से दीपू बिना कोई काम काज किए आलसी बन गया था। एक दिन दिव्या दीपू से, देखो दीपू, तुम अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे तुम अपना काम खुद करना सीखो बेटा। माँ, आपके रहते हुए मेरे काम करने की क्या जरूरत है, बोलो। थोड़े दिन बीते, दिव्या वेंकट एक शादी के लिए रिश्तेदारों के घर जाकर घर लौटाते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ। उस दुर्घटना में दोनों की मौत हुई। अब दीपू अनाथ हो गया। दीपू को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। दीपू अपने मामा राजेश के घर गया। दीपू को घर के बाहर ही रखकर, क्यों रे दीपू, ऐसे क्यों आना पड़ा? ये क्या मामा, आप ऐसे बात कर रहे हो? आपके अलावा अब इस दुनिया में मेरा और कौन बचा है? थोड़े दिन आपके घर में रहने के लिए आया हूँ। रे धीरे बात करो रे, अगर तेरी मामी ने ये बात सुन ली तो तेरे साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। ये लो, ये 500 रुपए लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। दीपू उदास होकर वहाँ से चला गया। दीपू अपने पहचानत के सभी घरों को गया। सब 100 या 200 रुपए दीपू के हाथ में थमा कर उसे भिजाने लगे। दीपू थोड़े दिन अपने पास मौजूद पैसों से बाहर से खाना लाकर खाया। थोड़े दिनों के बाद दीपू के पैसे खत्म हो गए। दीपू को अब क्या करना है समझ नहीं आया। अपने पड़ोस में रहने वाली सरला के घर गया। दीपू सरला से जो बीता वो सब बताया। चाची, मुझसे मेरी माँ ने बहुत बार कहा था कि मैं अपने काम खुद करूं, मगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। वो भगवान मुझे इतनी बड़ा सजा देंगे कहकर मैंने नहीं सोचा था। आप किसी भी तरह मुझे खाना पकाना सिखाइए। आप साड़ियों का व्यापार करने बाहर जाते हो ना, तब मैं बिट्टू की देखभाल करूँगा। मना मत करो चाची, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें देखे तो मुझे दया आ रही है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। ठीक है, बिट्टू की देखभाल करोगे बोल रहे हो ना, तुम्हें 2 वक्त का खाना खिलाऊंगी। बिट्टू की देखभाल अच्छे से करना होगा। एक दिन सरला बिट्टू को दीपू के पास छोड़कर काम पे बाहर चली गई। दीपू बिट्टू को खिलाने लगा। शाम को सरला घर आकर देखी, पूरा घर शांत था। सरला आश्चर्य में पड़ गई। इसे इतना खामोश रहते हुए मैंने कभी नहीं देखा रे। मैंने सोचा था कि अब तक तुम दोनों मिलकर घर में तोड़फोड़ शुरू कर दिए होंगे। वो बिट्टू अपने खिलौनों को तोड़कर नए खिलौने चाहिए कहकर रोने लगा था। चाची, मुझे क्या करना है समझ नहीं आया। जट से मेरे घर जाकर घर के पीछे मौजूद ईंटों से ये देखो, ये कार का खिलौना बनाया। इसे तोड़ने के लिए इसने बहुत कोशिश की मगर इससे नहीं हो पाया। तब से इसे बिना रोए खेलने लगा। चाची, क्या तुमने ईंटों से कार बनाया? ये कितना अच्छा है। तुमने खिलौने बनाना कब सीखा रे? पता नहीं चाची, बिट्टू जोर से रोने लगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। कुछ ना कुछ करके उसे चुप करवाने के लिए सोचा। ये देखो, इस कार के खिलौने को तैयार किया। देखा ना दीपू, वो भगवान हर इंसान को कोई ना कोई हुनर जरूर देते हैं। हम कोशिश किए तो वो क्या है हम पता कर सकते हैं। तुझ में छिपा हुनर आज ऐसे बाहर आई। तुम ईंटों से क्या क्या बना सकते हो बनाओ। दीपू अगले दिन से ईंटों से कार, जीप, ट्रक, बाइक, साइकिल, ऐसे तरह तरह के खिलौने तैयार करना शुरू किया। सरला उन सारे खिलौनों को ठेली पे रखकर बेचना शुरू की। वो खिलौने बहुत अच्छे दिखने के कारण लोग उन्हें खरीदने लगे। एक दिन सरला दीपू को स्कूल में भर्ती करवाई।
सरला। मैं इतने दिन तुम्हें सिर्फ खाना ही दे पाई रे, तुम्हारे बनाए ब्रिक व्हीकल्स को बेचने के बाद मिले पैसों से ही तुम्हें स्कूल में भर्ती करवा रही हूँ। तुम अच्छे से पढ़कर बड़े आदमी बनोगे तो तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। आज से आप ही मेरे माँ हो। सरला बहुत खुश हुई। गरीब बाप मिट्टी के बर्तन। एक गांव में हरीश कहकर एक कुम्हारा रहता था। वो मिट्टी से मटके बहुत अच्छा तैयार करता था। एक दिन वो घर आने के बाद उनका पत्नी दिव्या, आपका हालत देखकर तो आज भी कोई मटका बेचा नहीं लग रहा है। आपको बहुत दिन से बोल रही हूँ, सब लोग फ्रिज वगैरह खरीद कर ये मिट्टी के बर्तन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब आप कोई और काम ढूंढने से बेहतर होगा। मुझे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके बातें सुनकर हरीश का बेटा छोटू, पिताजी मुझे एक आइडिया आया है। हम हमेशा बनाते हैं, ऐसे मटके के बदले खाना पकाने वाला बर्तन तैयार कीजिए। आजकल सब लोग तो उनके सेहत के लिए मिट्टी का बर्तन में ही खाना पका रहे हैं। ये आइडिया तो बढ़िया लग रहा है। अगले दिन से हरीश मिट्टी से कई तरीके के खाना पकाने वाले बर्तन तैयार करने लगा। हरीश के घर के बगल में ही गणेश कहकर एक स्टील सामान बेचने वाला रहता था। दोनों का व्यापार अगल बगल में रहते थे। क्या रे हरीश, साधारण मटके बनाना छोड़कर मेरे ऊपर ही मुकाबला करने के लिए ये मिट्टी का बर्तन तैयार कर रहे हो क्या? ऐसा कोई सोच है तो भूल जाओ। तब हरीश कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद एक औरत गणेश के पास स्टील सामान खरीदने के लिए आई और बगल में हरीश जो बेच रहा था उनका पकाने का बर्तन को देखी। अरे वाह, ये बर्तन तो मिट्टी से बनाए हैं, कितने अच्छे हैं। कहकर हरीश के पास गई। बाबू मुझे चावल पकाने के लिए और दूध उबालने के लिए अच्छे से बर्तन देना और डोसा बनाने वाला कारकोल भी देना, पूरा मिलाकर कितना हुआ है। ये देखकर गणेश ईर्ष्या से गुस्सा हो गया। हरीश सब मिलाकर हिसाब कर रहा था तब गणेश उधर आकर, क्यों मैडम जी, मेरा स्टील सामान खरीदना छोड़कर ये मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं? मेरा तो जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मिट्टी का बर्तन तो यूं ही टूट जाते हैं, चाहिए तो देखिए। कहकर हरीश का एक बर्तन लेकर नीचे फेंका तब वो टूट गया। तब वो औरत उनको छोड़कर गणेश के पास स्टील सामान खरीद कर चली गई। हरीश के पास कितना भी लोग खरीदने के लिए आते थे लेकिन गणेश आकर ऐसे ही तोड़कर खराब करने लगा। छोटू मुझे माफ करो रे, आखिरी कोशिश की तरह ये खाना पकाने का बर्तन भी उस गणेश के वजह से नहीं बेच पा रहा हूँ। जो भी पहचान वाले थे उनके पास उधार करने के लिए भी बहुत कोशिश किया, तुम्हारा स्कूल फीस और किताबों के पैसों के लिए बहुत कोशिश किया, अब मिलेगा कहकर आशा भी नहीं है। तुम्हें स्कूल जाना रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन छोटू दुखी होकर उनके गाँव के बाहर एक जंगल में जाकर बैठ गया। इतने में उधर एक मुनीश्वर आया और छोटू को देखकर, क्यों बेटा इतना दुखी से बैठे हो, क्यों, तुम्हें जो आया है वो मुसीबत क्या है? तब छोटू जो कुछ हुआ सब बताया। तब मुनीश्वर गुस्सा होकर, क्या वो गणेश मिट्टी का अपमान करता है? मिट्टी के बिना आदमी नहीं जी सकता है। ये लो, ये मंत्र जल ले लो, बर्तन तैयार करने वाला मिट्टी में ये एक बूंद डालो, क्या होगा देखो। अगले दिन हरीश मुनीश्वर ने जो दिया है उस जल का एक बूंद मिट्टी में डालकर मिट्टी से बर्तन बनाया। अगले दिन हरीश के पास एक औरत आई और गणेश भी हमेशा उनका व्यापार खराब करने के लिए आकर हरीश के पास एक बर्तन को लेकर जमीन के ओर जोर से फेंका, लेकिन उस मिट्टी का बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर गणेश ने और जोर से उसे फिर से फेंका, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम कुछ भी करने से उस बर्तन को तोड़ नहीं सकते हो। तब तक उधर बहुत लोग जमा हो गए। लोगों में से एक पहलवान बाहर आकर उस बर्तन को लेकर नीचे फेंका, तभी भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब वो पहलवान उसके ऊपर चढ़कर कूदकर उसे तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी ने एक रोड रोलर लाकर उस बर्तन के ऊपर से चलाया, फिर भी उस बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ।
तब सब लोग तालियां बजाकर हरीश का बहुत प्रशंसा किए। लोग हरीश के पास सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर लेके गए। उस दिन से सब लोग आकर हरीश के पास ही मिट्टी का बर्तन खरीद कर लेके जाने लगे और गणेश का व्यापार एकदम रुक गया। गणेश वो गांव छोड़कर चला गया। मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल। गदवाल नाम के गांव में श्याम नाम का एक धनवान आदमी रहता था। वो बहुत अहंकारी था। उसके पास जो भी काम करते थे वो उन्हें बहुत नीचे तरीके से देखता था। श्याम के पास गणेश नाम का एक आदमी काम करता था। गणेश बहुत अच्छा था। एक दिन गणेश जब बगीचे में काम कर रहा था तब उसके पास श्याम का बेटा सुंदर एक छोटे से कुत्ते को लेकर आया। भैया ये छोटा सा पप्पी मुझे रोड पर मिला भैया, उसके पास घर भी नहीं है भैया, इसके लिए एक छोटा सा घर बनाकर दे सकते हो ना भैया, प्लीज भैया। बाप रे, घर? तेरे पिताजी चुप थोड़ी रहेंगे, मुझे छेड़ेंगे नहीं। भैया आप चाहो तो डैडी को कुछ ना कुछ कहकर संभाल सकते हो, प्लीज भैया बनाकर दो ना। ठीक है लेकिन मुझे कुछ टाइम दो, ऐसे बांधना है सोचकर बनाऊंगा। ठीक है भैया, एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी चाहिए कुत्ते को खेलने के लिए। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें पसंद हो वैसे बनाऊंगा, जाओ। फिर गणेश कुछ दिनों तक मेहनत करके घर पर एक जगह पर एक मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल बनाया। वो देखकर सुंदर बहुत खुश हुआ। उस दिन से वो उस कुत्ते के साथ मिलकर वहीं खेलने लगा। इस तरह जब वे खेल रहे थे तो एक दिन शाम कुत्ते के साथ उसे देख लिया। अब सुंदर के पास गुस्सा होकर आया और पूरी बात पूछने पर गणेश ने उसे ये ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल बनाकर दिया है ये बात पता चली। तब शाम गणेश को बुलाया। क्यों रे गणेश, अपने आप को क्या समझते हो कि मन में आए वैसे कुत्तों के लिए घर बना रहे हो? सर, सुंदर बाबू ने पूछा इसीलिए बनाया सर, कुछ समय रहने दो सर, फिर मैं ही तोड़ दूंगा। रे अपने आप को क्या समझते हो रे, बहुत होशियार समझते हो, देखो मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरे सामने ही ओवर एक्शन कर रहे हो। सर वैसे ये ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल मैंने ऐसे ही नहीं बनाया सर, आपके भलाई के लिए ही बनाया सर। इस स्विमिंग पूल के नीचे एक सीक्रेट लॉकर है सर, आपके पास कोई सीक्रेट चीजें है तो उसमें छुपा सकते हो। वही नहीं, अगर रेड वेड पड़ी तो कोई देखा तो सोचेगा कि अरे ये कितना अच्छा आदमी है, घर में ये कुत्ता पाल रहा है। अगर आपको ठीक नहीं लगे तो बताइए, अभी तोड़ दूंगा। तब मन में शाम, अरे हाँ इसका आइडिया तो अच्छा है, हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया, फिर भी इससे क्रेडिट नहीं देना चाहिए, अगर दिया तो कल से हर दिन हर बात के बीच में आएगा। चुपचाप कोई सीक्रेट चीजें है तो इस स्विमिंग पूल के नीचे लगा दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोच कर ठीक है अगली बार ऐसे कुछ कर रहे हो तो मुझे पूछ कर करो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आएगा, कहकर वहाँ से चले गया। अब गणेश के पास आकर सुंदर, भैया आप तो ग्रेट हो, मेरे डैडी को ही चकमा दे सकते हो, आप बहुत होशियार हो, वैसे आप ये सब मेरे छोटे से प्यारे से पप्पी के लिए किए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स भैया। देखो तुम सिर्फ खेलते मत रहो, पढ़ाई करके भी तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम करना, तब तुम्हारे पिताजी तुम कुछ भी करोगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब सुंदर ठीक है कहकर पप्पी के साथ मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल में खेलने लगा।